तो इसके लिए गाइस आपको फोन में कुछ सेटिंग करने होंगे, और यहाँ पे जो भी सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। और यहाँ पे भी यह हर एक सेटिंग इम्पोर्टेंट है, तो आपको एक भी बात मिस नहीं करनी है जो आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले उस फोन में जीमेल आईडी को ओपन करना है, और जीमेल ओपन करने के बाद गाइस ऊपर से ये जो हमें चैन अपने जीमेल आईडी का लोगो देखने के लिए मिल जाता है, इसके ऊपर टच करना है। और टच करने के बाद नीचे से हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड एन ऑथर अकाउंट का, तो आपको इसके ऊपर टच करके और यहाँ पे गाइस आपको अपना एक जीमेल आईडी ऐड कर लेना है। जैसे कि आप अपने गर्लफ्रेंड के फ़ोन में सेटिंग कर रहे हैं तो उसके फ़ोन में आपको एक अपना जीमेल आईडी ऐड कर लेना है। और ऐड करने के बाद गाइस प्ले स्टोर ओपन करना है, और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सुपर बैकअप लिख के सर्च कर देना है। जैसे कि यहाँ से सुपर बैकअप लिख के और आप कर देंगे सर्च, और जैसे ही सुपर बैकअप लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऐप मिलेगी, आपको इसको अपने फ़ोन में मतलब कि उस फ़ोन में इंस्टॉल कर देना है जिसमें ये सेटिंग कर रहे हैं। नहीं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दिया हुआ हूँ, जिसके ऊपर टच करके आप इस फ़ोन इस ऐप को किसी भी फ़ोन में इंस्टॉल कर पाएंगे। फ़िलहाल मैं सुपर बैकअप ऐप को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे भी हमें कुछ सेटिंग करने होंगे तो आप इस सेटिंग को कर दीजिएगा। जैसे कि ओपन करने के बाद ऊपर से थ्री डॉट का जो ऑप्शन मिल रहा है इसके ऊपर टच करना है, और टच करने के बाद हमें यहाँ से सेटिंग वाले ऑप्शन को यूज कर लेना है। और सेटिंग वाले ऑप्शन को यूज करने के बाद गाइस यहाँ पे हमें सेटिंग करने होंगे। जैसे कि ऊपर हमें एक ऑप्शन मिल रहा है बैकअप पथ का, तो आप अपने हिसाब से सेटिंग कर लीजिएगा, एसडी कार्ड में करना चाहते हैं कि फ़ोन स्टोरेज में। और उसके बाद यहाँ पे नीचे हमें एक ऑप्शन मिलेगा सिक्योर्ड सेटिंग का, तो आपको इसके ऊपर टच करना है। और टच करने के बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा सिक्योर्ड बैकअप नोटिफिकेशन, तो इसको यहाँ से टिक होगा तो इसको कर देना है अनटिक। और अनटिक करने के बाद आप किस तरह का बैकअप लेना चाहते हैं, जैसे कि एसएमएस बैकअप के ऊपर टच करके आप एक दिन का लेना चाहते हैं, तीन दिन का, वीक का, पंद्रह का, कि एक मंथ का, कि आप हमेशा के लिए लेना चाहते हैं, तो नेवर के ऊपर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद यहाँ से कॉन्टेक्ट का भी, कॉलों का भी, और यहाँ पे जो भी है आप नेवर के ऊपर ही रहने दें। और उसके बाद गाइस यहाँ पे नीचे में जो ऑप्शन मिल रहे हैं इसके ऊपर आपको ध्यान देना है, जैसे कि अपलोड टू गूगल ड्राइव, अगर आप चाहे तो इसको गूगल ड्राइव के ऊपर भी अपलोड करा सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ से आप अपने जीमेल आईडी के ऊपर भी इससे अपलोड करा सकते हैं। तो आपको जो भी फैसिलिटी अच्छा लगेगा उसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। फिलहाल मैं गूगल ड्राइव के ऊपर करके दिखा देता हूँ। जैसे कि गूगल ड्राइव के ऊपर अभी अनटिक है, इसके ऊपर टिक करेंगे तो यहाँ पे इस फ़ोन में जो भी जीमेल आईडी ऐप है, जीमेल आईडी मतलब कि लॉगिन है, वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपको भी या उस जीमेल आईडी के साथ इसको वन करना है जो आप अपना जीमेल आईडी इस फ़ोन में ऐड किए हैं। जैसे कि मैं यहाँ से कोई भी एक जीमेल आईडी यूज कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। और इतना करने के बाद यहाँ से हमें बैक आ जाना है, और यहाँ पे अलाउ कर देना है हमें इसके परमिशन। और जैसे ही हम अलाउ करेंगे तो ये हमारे गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड कर देगा। और यहाँ से हम आ जाएंगे बैक, और बैक आने के बाद यहाँ पे ऐप ऑटो बैकअप के ऊपर भी टिक रहने देंगे, ऐप बैकअप नोटिफाई के ऊपर हमें अनटिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे रिमाइंड अपलोड बैकअप फाइल, इसके ऊपर भी हमें टिक रहने देना है, रिमाइंड बैकअप के ऊपर भी टिक रहने देना है। और डार्क थीम देखना चाहते हैं तो आप कर लीजिएगा, नहीं तो इसको अनटिक ही रहने दीजिएगा। और इतना सेटिंग करने के बाद उसका फ़ोन दे देना है वापस। और इस ऐप को आप हाइड कैसे करेंगे उस फ़ोन में, इसके लिए मैं एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, उसका लिंक ऊपर कार्ड में मिल जाएगा, और आप उस वीडियो को देख लीजिए। और आप इस ऐप को उसके फ़ोन से कर दीजिएगा हाइड, और उसका फ़ोन कर दीजिएगा वापस। और उसके फ़ोन में जो भी आएंगे कॉल, एसएमएस वगैरह, वो आपके गूगल ड्राइव में, चाहे आप गूगल जीमेल आईडी के ऊपर अपलोड के जो ऑप्शन मिल रहे हैं उसके ऊपर टिक किए हैं, तो आपको जीमेल आईडी के ऊपर उसके फ़ोन का हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जिस नंबर से भी फ़ोन आएगा वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आपको वो नंबर भी देखने के लिए मिल जाएगा जिस नंबर से उसके फ़ोन पे कॉल आता है, चाहे कोई भी एसएमएस आता है वो भी आप देख पाएंगे अपने फ़ोन में इस ऐप के थ्रू।